अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएगी फॉर अर्लीस्ट। क्या है उसमें, क्या ऑर्डर? उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है जो मस्जिद का नीचे दखनी तहखाना है उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियाँ हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो को इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एसआई की उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे हाईकोर्ट। देखिए, हम फैसले का आदेश का जो मूल है वो हम पढ़ दे रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है आज कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लाट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने जो कि वादग्रस्त संपत्ति है वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों को कराएं और उस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ इत्यादि में उचित प्रबंध करें। कहने का मतलब ये है कि वो जो तहखाना था वो अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल कोर्ट ने उसको रिसीवर के तौर पर डीएम को सुपुर्द कर दिया था। अब उस तहखाने में पूजा पाठ के लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है और इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि मस्जिद प्रिमाइसेज में जो आप सो कॉल्ड मस्जिद रही है उस जगह पे अब पूजा पाठ का क्रम शुरू होगा जो धीरे धीरे बढ़ेगा और आने वाले 6 महीने में जो कोर्ट को आदेश करना है 91 वाले मुकदमे में उसमें भी हम लोग का दावा डिग्री होगा और सारा जो कैंपस है जो 500 साल से लड़ाई चली आ रही है उसमें हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। अरे आइए भाई, एक मिनट आइए। इसको देखिए, ये प्रथम जीत है, अभी बहुत बाइल्स टू गो, अभी लंबी लड़ाई सफर होना है। अभी हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट है, निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष इसको लेके हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो एक चीज तो अभी ये है, लेकिन ये एक प्रारंभिक विजय है और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन और जो अब तक हिंदू पक्ष कहता रहा है उस दावे को समर्थन मिला है। कब से पूजा पाठ शुरू करने का आदेश है? देखिए, इसमें 7 दिन के भीतर का समय दिया गया है, तो आज से मान लीजिए कि आज है 30 तारीख, तो 5-6 तक उनका प्रशासन को लिमिट है। देखिए, ये भी संभावना है कि मुस्लिम पक्ष इसको लेके हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट स्टे भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला, तो अपलेट कोर्ट है। अभी तक मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन कुल मिला के हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी विजय है।